हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करूँगी। जो भी प्रेगनेंट फीमेल्स ही मेरा वीडियो देख रही हैं उनको ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी रहे और आपको एक स्वस्थ और हेल्दी बेबी डिलीवर हो। मेरी प्रेगनेंसी में हमेशा कुछ ना कुछ मुझे स्ट्रगल रहा है, या जिसको हम कह सकते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ संघर्ष मेरे साथ रहा है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके साथ भी वही सब प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ हुई हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो जो भी ये वीडियोस मेरा पहली बार देख रहे हैं या जो मेरा ये चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, जिनको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम नेहा है और मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ और मेरी ड्यू डेट जून में है। ये मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है और मेरा एक मिसकैरेज हुआ है और एक मेरी इस वक्त 2 साल की बेटी है। तो मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी से आपके साथ ये स्टोरी अपनी शेयर करूँगी। तो मैं अगर अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैंने बेबी कंसीव किया था, मैंने 2021 में कंसीव किया था और मेरी जो बेटी हुई थी वो 2022 में हुई थी। और मेरी जो बेटी हुई थी वो मेरी शादी के 5 साल बाद हुई थी। तो मैं अगर बात करूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के स्ट्रगल के बारे में, तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में थ्रू आउट ब्लीडिंग रही है और मेरी ये जो प्रेगनेंसी थी बहुत ज़्यादा रिस्क में थी। डॉक्टर ने एक बार मुझे बोला कि आपको अर्ली पेन्स हो रहे हैं और आपको अबॉर्शन की हाई चांसेस हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट किया, वैसे ही डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी से लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं और हो चुके हैं और आपकी ये प्रेगनेंसी रुकना ठहरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट उस वक्त मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और मुझे कई सारी टैबलेट्स के थ्रू और बहुत सारे इंजेक्शंस के थ्रू उन्होंने मेरी इस अबॉर्शन को रोका। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल स्मूथ, जैसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक था। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त मेरा 5 kg वेट लूज़ हुआ था मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी भूख ही नहीं लगती थी। मैं बहुत कम खाना खाती थी, जैसे कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आपका खाने खाने का मन नहीं करता, तो मेरे साथ सेम वो प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद जैसे ही मेरा 4th month स्टार्ट हुआ, मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और उसके बाद मुझे डिलीवरी पेन्स 4th month में आने स्टार्ट हो गए। ये आपने बहुत रेयर सुना होगा, क्योंकि जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको डिलीवरी पेन्स हो रहे हैं या आपको लेबर पेन्स हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि 4th month में भी लेबर पेन होते हैं। बट डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शंस के थ्रू और टैबलेट्स के थ्रू मेरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया। तो मैं यहाँ पर किसी टैबलेट के इंजेक्शंस का नाम नहीं लेना चाहूँगी, सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ प्रोजेस्टेरॉन मुझे दिए गए, कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस मुझे दिए गए, जिससे मेरी प्रेगनेंसी उस वक्त ठहरी। और मुझे कम्प्लीटली 3 months के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था एंड उस वक्त मैं कंप्लीट 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे थी। और जब मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मेरा प्लेसेंटा जिससे बेबी को फूड मिलता है, जिससे बेबी को ऑक्सीजन मिलता है, वो मेरे यूट्रस में काफ़ी नीचे था।
तो उसकी वजह से मेरे को बार बार से ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। पर जिनको भी अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही रहती है या भी हो रही है तो बिल्कुल भी घबराइए मत ना। अगर आपकी डॉक्टर बहुत अच्छी है या आप किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाई चांसेस है कि वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए। अब मैं अपनी अगर दूसरी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो दूसरा जब मैंने कंसीव किया बेबी, मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही बेबी की हार्ट बीट आकर चली गई। हमने 6th जैसे कि बोला जाता है कि 6ठे या 7वें हफ्ते में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, तो हम लोगों ने 6th वीक में जाके बेबी की हार्ट बीट चेक करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया, जब तक बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी। और सडनली जैसे ही मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे, उससे 2 हफ्ता पहले मेरे को स्लाइटली सी ब्लीडिंग हुई। और मैं कहीं ना कहीं उसमें अपना फॉल्ट मानती हूँ। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी तो मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में सेफ रहकर चलना चाहिए था, बट उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कपड़ों की बाल्टी बकेट उठाई थी तो उसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हुई। एक हैवी वेट मैंने उठाया और उसके बाद बेबी की हार्ट बीट आकर चली गई। हम नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, मंथली चेकअप जो होता है कि डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस किया और डॉक्टर ने बोला कि बेबी की हार्ट बीट आकर जा चुकी है। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था और वो सिर्फ मेरी गलती की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो अब मैं अगर बात करूँ अपनी थर्ड प्रेगनेंसी की, तो थर्ड प्रेगनेंसी में भी मुझे ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है और इस वक्त भी मैं प्रेगनेंसी सपोर्ट पर हूँ। मैं प्रेगनेंसी टैबलेट्स के थ्रू मेरी प्रेगनेंसी सपोर्ट पर है। तो प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय बेबी कि सब ठीक से हो जाए। और मेरी डिलीवरी डेट जून में है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।